सीजीएल के सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए इसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो जो सीजीएल 2018 है, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे अनुमान लगा रहे थे कि 2-3 महीने डीले होगा, उनका अनुमान गलत हो गया है। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो सही लगाया था, क्योंकि देखो सीपीओ अभी तक भी नहीं हुआ है, सीपीओ 2018 का पेपर अभी भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि सीजीएल भी डीले हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे लगता था कि डीले हो जाएगा, पर मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। अब कंफर्म न्यूज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि 25 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा और इसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं सीजीएल 2018 का। सीपीओ का भी कुछ पता लगा नहीं है। तो अब आपसे एक ही निवेदन है सभी बच्चों से जो टायर 3 की तैयारी कर रहे थे कि भाई अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अपने 10-15 दिन है, पर 10-15 दिन आपके लिए बहुत है क्योंकि आप टायर 3 तक पहुँचे थे, तो मतलब आपको पूरा सिलेबस पता होगा, बस आपको रिवाइज़ करने की देरी है। तो रिवाइज़ करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल अच्छी ट्रिक बता देता हूँ, आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सबको रिवाइज़ करने के लिए मैथ के अपने फॉर्मूले जहाँ पे आपने लिखे होंगे उन्हें जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करें। रीजनिंग आप अब छोड़ दो, रीजनिंग पे हाथ मत लगाओ बिल्कुल भी। इंग्लिश के आप ग्रामर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने देख लें और वोकैबुलरी रिवाइज़ करो एक बार। और जीके के लिए जल्दी से लूसेंट एक बार जो जो आपको इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखा है उसको पढ़ लो, बस इतना आपके लिए बहुत है। अब आपको दिन में कम से भी कम, मतलब जो मिनिमम टाइम है, जो एवरेज बच्चा भी पढ़ रहा है, 10 घंटे आपको दिन में अब लगाने हैं 25 तारीख तक। और हो भी सकता है ऐसा कि भाई 25 को ना हो, क्या पता आपकी बात सुन ली जाए कि भाई बच्चे मतलब कन्फ्यूज थे, पर ऐसा होता नहीं है। अभी आप जैसे CHSL का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि CHSL के बच्चे सोच रहे थे कि 15 जुलाई को नहीं होगा इस बार टायर 2, पर 15 जुलाई को है, बिल्कुल एग्जैक्ट 15 जुलाई को है, कोई बिल्कुल इसमें डीले नहीं है। और कट ऑफ तो बेटा आप बढ़ती जाएगी हमेशा, कट ऑफ में आप कोई वो मत सोचना कि कट ऑफ घटेगी, CHSL की 143 कट ऑफ है इस बार, समझ रहे हो, 143 200 में से 143 कितना हो गया। तो ऐसे ही इस बार CGL की भी कट ऑफ 200 में से 140 प्लस भी जा सकती है, 150 भी जा सकती है, तो हल्के में बिल्कुल मत लेके चलो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब पकड़ लो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब 200 में से 160 165 भी कट ऑफ आएगी। और अगली बार जैसे बता रहे हैं कि एक कॉमन पेपर होगा, तो उसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि कॉमन हो या ना भी हो, पता चली ऐसे अलग अलग हो, पर जैसे कॉमन होगा तो आपका बहुत फ़ायदा है। जैसे अब टायर 3 आप दे रहे हो, पता नहीं कब CGL आ गया, तो अब कॉमन होगा तो सबका एक ही में एग्ज़ाम हो जाया करेगा, CHSL, MTS, CPO, CGL सब एक में ही ले करेंगे वो। तो बस ये इतनी आपको नॉलेज मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको कोई CGL से रिलेटेड डाउट है तो नीचे मैं ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ, उसमें आप आ सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।